फोन पे जो कपड़ों मत बेचा दे मेरा नाम गंगा राम है। मृतक मेरा सगा भाई था, मेरे से छोटा। ये नौकरी करता था। शादी के बाद में यहाँ बाड़मेर में इसकी घरवाली ने और इसके ससुर ने दबाव देखे यहाँ रहना उसको मंजूर किया था, मजबूर किया था कि तेरे को परिवार, तेरे परिवार से अलग रहना पड़ेगा, तेरी पत्नी को रखेगा। तो बाद में उस पर उसके ऊपर और प्रेशर, 5 साल तक उसके कोई बच्चा नहीं था। फिर हमने कहा भाई कुछ डॉक्टरी कराओ, कुछ कराओ। 3-4 बार पंचायती भी करी थी, मैं और मेरा ताऊ भी आया था। 3-4 बार आपस में लड़ाई झगड़ा किया और इसको पीटा भी था, इसकी घरवाली ने, इसके साले ने और इसके ससुर ने और एक ओमाराम नाम करके और व्यक्ति था। आज से 2 महीने पहले जब ये हमारे घर आया था तो 6 दिन हमारे घर रुका था। उसकी पीठ में चोटों के निशान थे। तब हमने पूछा, तब इसने कारण बताया कि हम दोनों लड़े थे और हाथापाई हुई थी। तो हमने पूछा इसके ससुर से और पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची किससे लड़ा तो हम इसको जान से गुमा देंगे। ये उमर राम ने धमकी भी दी थी। कॉल डिटेल से संबंध तो हो सकता है ना कि आपस में लड़े होंगे, घटना हुई है तो आपस में लड़े होंगे, झगड़े होंगे, कुछ बोलाचाली भी हुई होगी। पुलिस सही तफ्तीश करे, उसके घर की छानबीन करे, उसको कोई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलेगा। नहीं, आपने जो रिपोर्ट दी है पुलिस को उसमें आपने क्या दिया है? हमको शक है कि मृतक पन्ना लाल सनोत तुलसा राम जो सरकारी कर्मचारी है, बेरीवाला तला ग्राम में मेल नर्स सेकंड पोस्ट पे पोस्टेड है। इसकी डेड बॉडी कल दिन में है, जो अपने खुद के ही घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई थी, जिसपे सूचना मिलने पे मौके पे गए थे और उसकी पत्नी घर पे मौजूद मिली, कई और परिजन थे और बॉडी को मोर्चर रूम में रखवाया गया था। आज इसका बोर्ड से मेडिकल पोस्टमार्टम करवा के और लाश को परिजनों को सुपुर्द किया गया है। उसके पिता की तरफ से जो है वो हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट पेश की है, जिसपे प्रकरण दर्ज करके इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। सर वो तो पूरी ली जाएगी, इस बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी कॉल डिटेल्स वगैरह होगी सब ले लिया जाएगा और अनुसंधान कर लिया जाएगा। सर परिजनों का आरोप है कि लगातार ससुराल पक्ष द्वारा इसको, मृतक को परेशान किया जा रहा था। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, समय मिलने पर अनुसंधान।